मेरी आखिरी बात मानोगी पारो? खुद के लिए ही सही, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो पारो। आज मेरी बेटी ने बहुत सही कदम उठाया है, उस घर की बच्ची की इज्जत बचाई है। मुझे आज तुझ पर नाज है बेटा। पारो, पारो बेटा। अरे देवता, आप कब आए? मैंने ध्यान ही नहीं दिया, I'm so sorry। और आपकी तबीयत कैसी है? मैं दवा लेके आती हूँ। अरे बेटा, मैंने दवाई ले ली है, बैठ। अरे बैठ ना। ये देख, मैं तेरे लिए कॉफी बना कर लाया हूँ। अरे देवता, इसकी क्या जरूरत थी, मैं बना लेती, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। सोई नहीं ना, खाया भी नहीं होगा कुछ। एग्जाम्स के वक्त भी तेरा यही हाल होता था। देख बेटा, एग्जाम चाहे जिंदगी का हो या स्कूल का, सवालों को हल तो करना ही पड़ता है ना। वो क्या कहते हैं, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना बेटा। जो बीत गया सो बात गई, अब आगे क्या करना है वो सोच। देवता, कोई सॉल्यूशन ही तो नजर नहीं आ रहा है, सच बता नहीं सकती, और किसी भी झूठ से मेरा और आकाश का रिश्ता ठीक नहीं होगा। क्या होगा अब हमारे रिश्ते का? ना बेटा ना, फिर तो तूने शादी को बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। सच ये है कि शादी में चाहे जितने झगड़े हों, चाहे जितनी गलत फहमियां हों, चाहे जितनी लड़ाइयां हों, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे से मिलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। मुझे तो लग रहा है अब सब खत्म होने जा रहा है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? तूने इतना बड़ा कदम उठाया है उनके घर की इज्जत बचाने के लिए। देखना तेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, बस तू हिम्मत रख, अपने आप को मना, अपने आप को यकीन दिला कि सब कुछ ठीक होगा और तू खुद ठीक करेगी। मैं जानता हूं कि तू आकाश को सच नहीं बताना चाहती, और एक वो है जो एक झूठ को सच मानकर बैठा है। बेटा ये सारी चीजें हल हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। जानती है बेटा, तेरी सबसे अच्छी बात मुझे कौन सी लगती है? तेरी हिम्मत। एक छोटे से शहर से अकेले मुंबई आना, अपनी जिंदगी की शुरुआत करना, अच्छे बुरे में फर्क महसूस करना, पहचान रखना, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत ना हारना। फिर आज तेरी हिम्मत कहाँ गई? कहाँ गई मेरी वो बेटी जो सब कुछ खुद ही फिक्स कर दिया करती थी? देवता, क्या करूं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। खुद से शुरू कर बेटा, खुद से। सबसे पहले खुद की जिंदगी को समेटना शुरू कर, खुद को मना, खुद से रिश्ता निभा। बेटा अपनी जिंदगी को दूसरों की गलतियों को सुधारने में जाया मत कर। वो क्या कहते हैं मुंबई की भाषा में, हाँ, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का और खुद मस्त रहने का। मुंबई का असर मुझ पे भी हो रहा है ना थोड़ा थोड़ा। वादा कर कि तू मेरी वाली पारो को अब और नहीं रुलाएगी। थैंक यू देवता। क्या ये हो क्या रहा है यहाँ? मैंने इतनी बार कहा कि मुझे किसी भी हालत में अकाउंट डिटेल्स चाहिए थी, तो अभी तक टैली शीट रेडी क्यों नहीं है? सॉरी सर, वो मंथ एंड था तो क्लोजर में टाइम लग गया। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना, मैंने जो काम कहा था वो हो जाना चाहिए था एक बार में। तुम जा सकते हो। जी सर, सॉरी।
आकाश, व्हाट्स द मैटर विद यू? सारा ऑफिस तुमने सर पे उठा रखा है, सारा स्टाफ तुमसे सहमा हुआ है, और रिकी को क्यों निकाला? देखो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसका फ्रस्ट्रेशन तुम यहाँ ऑफिस में नहीं निकाल सकते हो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ अलग है, प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल अलग है। और पारो भी ऑफिस नहीं आ रही आजकल, ना ही फोन उठा रही। अरे तुम लोग ने दफ्तर को समझ क्या रखा है? तुम कुछ बोलोगे भी? तुम्हें एक काम करने को दिया, वो काम छोड़ के तुम बाकी सारे काम में लगे हुए। वैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूं, हमारे ये ऑफिस, हमारा सारा बिजनेस 2 दिन में शटडाउन हो जाएगा, अगर तेजपुर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो। थैंक्स टू पारो एंड योर बिलवड फादर इन लॉ, जिन्होंने अभी तक पेपर साइन नहीं किए। इन दोनों की वजह से मल्होत्रा का बिजनेस एम्पायर बिक जाएगा आकाश, तुम्हारा बाप खड़े खड़े नीलाम हो जाएगा, और पार्थ का ड्रीम प्रोजेक्ट अधूरा रह जाएगा। सर, तेजपुर ऑफिस से मिस्टर खन्ना का कॉल है। आपका फोन ट्राई किया तो बात नहीं हो पाई, लैंडलाइन पे किया है। मे आई कनेक्ट योर कॉल सर? हाँ कर दो। हाँ करना। सर कांग्रेचुलेशंस, हमें तेजपुर जनरल स्टोर की एनओसी मिल गई है। एनओसी मिल गई मतलब? सर, मिस्टर दर्शन और पारो मैम ने सारे डॉक्यूमेंट साइन कर दिए ना, तो हमने भी प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया है। बस यही बताने के लिए फोन किया था। व्हाट, आर यू श्योर? ऑफ कोर्स सर, इनफैक्ट पेपर्स मेरे हाथ में, मेरे सामने। ओके सर। कौन था? खन्ना। क्या कह रहा था? पारो के पापा ने पेपर साइन कर दिए। व्हाट? द प्रोजेक्ट इज ऑन। आर यू सीरियस आकाश? यस सर। Wow! Oh, I'm so happy, so happy. मैं दयाल से बात करके आता हूँ। हाँ, thank you. Good job, good job. Up. बस एक बटन प्रेस करने की देरी है। तुम्हारे इन फोटोज पर मैं शेयर का बटन प्रेस करूं, इसके पहले तुम कॉल का बटन प्रेस कर लो, लाइक अ गुड गर्ल। बस इसीलिए, इसीलिए तुम मुझे बहुत पसंद हो। बहुत जल्दी समझ जाती हो। रिकी प्लीज, मुझे परेशान करना बंद करो। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं घर में सबको बता दूंगी। ऑफ कोर्स, तुम्हें सबको बता देना चाहिए, और तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, जब तक तुम घर पे सबको बताओगी, तुम्हारी एक एक फोटो दुनिया देख चुकी हो। और ये है भी तो कितनी हॉट, सेक्सी, सेडक्टिव। उफ, शट अप। अरे अरे अरे, शर्मा गई? अभी तो मैंने तुम्हारी वीडियोस की तारीफ ही नहीं करी, जो कि बहुत जल्द सारी एडल्ट साइट्स पे आने वाली है, विद इन अ सेकेंड। जानती नहीं हो तुम, सो इसलिए धमकी मत दो, राइट? तुम्हारे भाई ने मुझे जॉब से निकाला, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एहसान फरामोश हो तुम लोग। मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके ये पूरा कारोबार खड़ा किया, और क्या किया तुम लोगों ने? उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। एनीवेज, मेरा बाप एक ईमानदार आदमी था, लेकिन मैं नहीं।
मुझे टुकड़ा नहीं हिस्सा चाहिए। माय शेयर 100 करोड़। क्या तुम पागल हो क्या? मेरे पास कहां से आएंगे इतने पैसे? ओ, बात भी सही है। चलो तुम्हारे लिए डिस्काउंट करता हूं। 10 करोड़ ट्रांसफर राइट नाउ। यू आर अ रिच गर्ल, आई नो। दो तीन फोन घुमाओगी इधर उधर तो 10 करोड़ तो बहुत आसानी से इकट्ठे कर लो। मल्होत्रा फैमिली की इज्जत 10 करोड़ तो होगी। तुम्हें मैं बहुत सस्ते में छोड़ रहा हूँ। कोई और होता ना तो तुम्हें सरेआम नीलाम करता, तुम्हारी एक एक फोटो की बोली लगाता। देखो रिकी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं कितनी स्टुपिड थी कि मैंने तुम पे ट्रस्ट किया। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। आहा, बेवकूफ नहीं थी तुम। तुम डेस्परेट थी मेरे करीब आने के लिए। शट अप। बैठो। क्या हुआ सोनी? तुम फोन पे इतनी स्ट्रेस साउंड कर रही थी, क्या हुआ? और क्या होना बाकी है पारो, मेरी वजह से तुम्हारे और भाई के बीच इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, कितनी स्टूपिड हूं मैं। प्लीज काम डाउन, प्लीज। ओके, लो पानी पियो। सोनी हमारी चिंता मत करो और बताओ हुआ क्या है? रिकी ने तुम्हें वापस फोन किया क्या? रिकी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो 10 करोड़ रुपए मांग रहा है। मुझे क्यों ताज्जुब नहीं हो रहा है? उस कमीने से ना यही उम्मीद थी। मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ ओपनली बता देना चाहिए था। इनफैक्ट मुझे आकाश को भी रिकी के बारे में बता देना चाहिए था, तो ये सब होता ही नहीं। मेरी ही गलती है। इट्स नॉट योर फॉल्ट। तुमने कितनी बार मुझे रोकने की कोशिश की थी, मैं पता नहीं किस हवा में थी। मैंने तुम्हारी बात सुनी होती तो आज ये नौबत नहीं आती। नौबत आई है ना तो सामना भी करेंगे सोनी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ठीक है, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। मल्होत्रा फैमिली की इज्जत इतनी भी सस्ती नहीं है और उसके फोन की औकात नहीं है तुम्हारे पिक्चर्स रखने की। ओके, आई एम सो सॉरी। प्लीज सॉरी मत बोलो, हम फैमिली है सोनी। आकाश मेरे, तुम भी भैया से बहुत प्यार करती हो ना। इट्स हाई टाइम, अब हमें भाई को सब कुछ बता देना चाहिए। नहीं नहीं, अब तो ऑलरेडी बात बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए तो बोल रही हूँ। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ कि हम नहीं बताएंगे। आकाश को अगर रिक्की के बारे में पता चलता है तो वो अपना टेम्पर लूज कर देगा, और अगर हड़बड़ी में आके रिक्की ने तुम्हारे पिक्चर्स और वीडियोस लीक कर दिए तो बात आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। वी कांट टेक दैट रिस्क। हम इस सिचुएशन को साथ में डील करेंगे। ओके, पर पारो कैसे? इस सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा। हमें ना रिक्की को फंसाना पड़ेगा। एक बार वो पिक्चर्स और वीडियोस हमारे हाथ में आ जाए तो रिक्की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सोनी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं वो मुझसे मिलने आई है। पारो, तुमने पेपर्स क्यों साइन किए? एहसान जताना चाहती हो? नहीं आकाश। तो फिर क्या साबित करना चाहती हो? मैंने ये अपने लिए किया, मेरे अपनों के लिए। मैं जानती हूँ तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन अब तुम्हारी फैमिली को भी मैं अपना मानने लगी हूँ। दादी, नानी, नमन, सोनी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। कभी इतना पराया फील करा देती हूँ, इतना दूर,
और कभी ऐसे जताती हो जैसे कितने करीब हो। तुम तो तेजपुर जनरल स्टोर को कभी बेचना नहीं चाहती थी ना, किसी भी कीमत पर। हाँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि तेजपुर जनरल स्टोर के पेपर्स ना साइन करने से मल्होत्रा फैमिली का सब कुछ चला जाएगा, तो मैंने साइन कर दिए। इनफैक्ट देवता ने ही मुझे हेल्प किया ये फैसला लेने पे। उन्होंने ही कहा कि प्रॉपर्टी की कीमत फैमिली से ज्यादा नहीं हो सकती, फैमिली पहले प्रॉपर्टी बाद में। उनकी खुशी से ही ये सब किया है मैंने। आरोप अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज बता दो उस रात को क्या हुआ था। खुश रहो बेटा। कैसी है तबीयत आपकी? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम कैसे हो और घर पे सब? सब अच्छे हैं माँ। देवता आराम कर रही है कि नहीं? इनको ज्यादा घूमना नहीं चाहिए। अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा लगा जानकर। तो ठीक है, मैं चलता हूं। पारो, क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? बेटा ये आकाश किस लिए आया था और इतनी जल्दी क्यों चला गया? देवता, मैंने TGS के पेपर्स साइन कर दिए। आप ही ने कहा था ना कि लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि ये मेरा पहला कदम था। आपकी बात सही थी, जो बीत गई वो बात गई। किंतु ये गलतफहमी ठीक करना तो जरूरी है ना बेटा? पहले रिकी की गलतफहमी को दूर करना जरूरी है माँ, कि वो जीत जाएगा। बाकी की गलतफहमियां तो खुद ब खुद दूर हो जाएगी। चिंता ना करी बामा, सब ठीक हो जाएगा। ए, हाँ हाँ, कल मिलते हैं, छोटू भी आ जाएगा और वहीं रिश्ते की बात भी हो जाएगी। मॉम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आजा बैठ। कुछ पता चला क्या हुआ उन दोनों के बीच? मतलब पारो घर छोड़कर चली गई, आखिर हुआ क्या है? मॉम मुझे क्या पता, पर आपने मुझे ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया था। अरे नहीं नहीं, बात कुछ और है। कल शाम को हमें शर्माज के घर चलना है, तुझे याद है ना वो शिल्पी? अरे बैठ ना, कल चलते तेरे रिश्ते की बात करने। मम्मा मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। मैंने भी तुझसे उतनी ही बार कहा है कि तू उस बंगालन से शादी नहीं कर सकता। और जब तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मुझे कैसे आएगी? और फिर देख ना आकाश और पारो की शादी का हाल, मनमानी का यही नतीजा होता है। रिश्ता हमेशा बराबरी के लोगों के बीच होना चाहिए, तभी टिकता है, वरना यही सब होगा। उस लड़की ने आकाश की आंखों पर पट्टी बांध रखी है और तुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है? सुधर जा। वाह मामा, आपने उनके बारे में और उनके रिश्ते के बारे में खुद ही अंदाजा लगा लिया, और शायद आपने तो उनका डिवोर्स भी करवा दिया है ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं मॉम, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे को कभी छोड़ेंगे नहीं, आप देख लेना। ये सब पट्टी तुझे कौन पढ़ाता है? वही बंगालन ना? तो मॉम वो बंगाल नहीं है, असमी है। एक ही बात है। एक बात नहीं है मॉम, दो अलग अलग स्टेट्स है। अब तू मुझे ज्योग्राफी मत सिखा और कान खोलकर सुन ले कि मैं तुझे उस बंगालन से शादी नहीं करने दूंगी। मॉम और मैं भी आपके लालच के लिए किसी अमीर लड़की के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा।
माँ मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। तू मुझे कोई कदम उठाने पर मजबूर मत कर छोटू। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। मतलब क्या करोगी आप? मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी क्या? उसे जेल भी करवा सकती हूँ। किस क्राइम में? वो तो सोचना पड़ेगा, लेकिन मुश्किल थोड़ी है। चोरी चकारी किसी भी इल्जाम में। मम्मा मम्मा, अब याद आया तुझे कि मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू वही करे जो मैं चाहती। हो क्या गया आपको? अब इस हद तक जाएंगे आप? जा भी सकती हूँ, और मेरे कॉन्टैक्ट तो है ही। तू मुझे अंडर एस्टिमेट मत कर। मॉम आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। नहीं करूंगी। तू अगर मेरी बात मानेगा तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और मुझे तो पता है कि मेरा छोटू कितना समझदार है। वो लड़की जेल जाएगी तो तुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। कल शाम को रेडी रहना, दोबारा बोलना ना पड़े। तुम पे उसे शक नहीं होना चाहिए, और तुम उसे ये दिखाओ कि तुम उसके पूरे कंट्रोल में हो और उससे डरी हुई है। मतलब मेरी तरह तुम्हें भी उतनी जल्दी है? डोंट मूव। भाई उसकी कोई गलती नहीं थी। किसकी बात कर रही हो सोनी? पारो की।